अनुपमा की हुई हालत खराब, अनुज के प्यार ने बचाई जान, श्रुति आद्या के उड़े होश। तो दोस्तों, हम जानते हैं अनुपमा के लिए काफी टफ टाइम है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा जो कि काफी बुरे वक्त से गुजर रही है, एक तरफ आद्या है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है कि उसका बर्थडे खराब हुआ है, और उसी दिन अनुपमा का रेस्टोरेंट में भी जो कुछ हुआ है वो तो हम जानते ही है। जी हाँ दोस्तों, फूड क्रिटिक्स आए थे और उसके बाद की हालत तो हर किसी को पता है। अब ये सब चलने के बाद अनुज तो ढूंढ रहे थे अनुपमा को और उन्हें मिल भी गई है अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा एक बेंच पर सोई थी और वो भी काफी ज्यादा रोए जा रही थी, और ऐसी हालत में अनुज उन्हें वापस लेकर आए हैं घर में। और जैसे ही वो देखते हैं मीडिया से न्यूज आ रही है और पता चल रहा है कि अनुपमा की कितनी बुराई किए जा रहे हैं लोग, और इतना ही नहीं, अब रेस्टोरेंट का नाम भी काफी खराब हो चुका है, सिर्फ यूएस में ही नहीं तो दोस्तों इंडिया में भी अब अनुपमा और स्पाइस एंड चटनी दोनों का नाम खराब हो रहा है। और जैसे ही पता चलता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है स्पाइस एंड चटनी में, तो अनुपमा भी दौड़ी भागी चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा अब दौड़ी भागी चली गई है रेस्टोरेंट में, और वहां देखती है कि यशदीप और बीजी भी वहां पर मौजूद है, दोनों काफी बड़े सदमे में है। अब ये सब देखकर ऐसा कुछ हो रहा है कि आखिर अनुपमा को अनुज लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, चोट लगी है अनुपमा को और उसे ठीक करने के लिए अनुज अब लेके जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल। अब आगे क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे, बस आपको करना ये है कि हमारे साथ जुड़े रहना है हमारे इस ही YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम जानते हैं वहां पर मीडिया और उसी के साथ साथ काफी लोग भी आ चुके हैं और सब बातें कर रहे हैं अनुपमा और रेस्टोरेंट की, और इन सब चीजों के बीच में अनुपमा को चोट भी लग जाती है। जी हाँ, कोई अनुपमा को पत्थर फेंक कर मारता है और उसके बाद अनुपमा बेहोश हो जाती है। अब ऐसे हालत में अनुज उन्हें लेकर जाता है हॉस्पिटल, और जब उन्हें देखता है कि वो बेहोश है और डॉक्टर पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं अनुपमा को होश में लाने के लिए, तो अनुज यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में है। और ये बात देखकर अब श्रुति और आद्या की भी होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों भी नहीं चाहती है कि अनुपमा अनुज की जिंदगी में रहे, फिर भी अनुज है कि अनुपमा का साथ नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, अब आखिर अनुपमा कैसे बचेगी और कैसे बाहर निकालेंगे अनुज अनुपमा को इस सिचुएशन से, ये हम जानेंगे। आखिर अनुज के प्यार में कितनी ताकत है ये भी हम देखेंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ ही जुड़े रहना है हमारे YouTube चैनल पर, हर एक एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।